एशिया ला तो गाड़ी चलावत ही नहीं बनाते, काबर की ऐसी स्थिति है कि रोड ठीक है ही नहीं, ये देख सकते हो। बेचारा बड़ा तकलीफ से ही गाड़ी ला पार करा था भाई। एकदम जर्जर है साहब, इसको फाड़ के फेंक दिया जाए नया पुल पर आ जाए, तो बहुत खतरा है, कभी भी कोई प्रकार का हादसा हो सकता है आने जाने वाला। आप गए मोटरसाइकिल को ही निकालना मुश्किल हो रहा है अब। पार करत रही सवा है और ये बड़े बीच में ये बड़े बड़े गड्ढा भी रही सवा है, देख सकता है। नाथ नदी के जल स्तर है राम मंदिर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो, बहुत बहुत स्वागत है हमारे नया ब्लॉग वीडियो में। और आज के ब्लॉग वीडियो जो बहुत खास है, काबर के सावन में लगातार बारिश के बाद जो है नदी नाला जो है उफान में है, खास करके जो शिवनाथ नदी है ओकर जल स्तर जो है आप मन लगातार देखे हो सोशल मीडिया के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से। और पिछली बार जो मैं वीडियो बना रहे हूँ पहला सोमवार के जो सावन के पहली सोमवार लगी से वो दिन की स्थिति आप मन देखे हो, भरपूर मया दुलार दे हो, आशीर्वाद दे हो और इतने मया दुलार आशीर्वाद बने रहे। और आज फिर मैं जो है शिवनाथ नदी के सिमरिया घाट में पहुँचे हुए हूँ और पुल की स्थिति आप मतलब दिखाता हूँ, पानी की स्थिति और कैसे है अभी, पानी के बहाव कैसे है पुल के ऊपर से है कि नीचे से है और आप मतलब ये क्षेत्र से आना जाना है कि नहीं, ये सब चीज़ पूरा जानकारी आप मतलब दूँ संगवारी हो। वीडियो अच्छा लगी संगवारी हो तो वीडियो लाइक करूँ, हमारे चैनल सब्सक्राइब करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करूँ और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगन मतलब जो है पता चले कि अभी स्थिति कहाँ है सिमरिया घाट में शिवनाथ नदी में और किस प्रकार से स्थिति हवा है, जिला पूरा जो है जानकारी सब लग होना चाहिए ताकि जो कोई भाई मन है या फिर आवाज जाने वाला है आने जाने वाला है तो मन लग पता चलना चाहिए। तो चलो आज के वीडियो शुरू करते हैं और अभी हम पहुँच गए शिवनाथ नदी, ये देख सकते हो शिवनाथ नदी ये हर है और मैं अभी खड़े हूँ पुल के ऊपर और पुल से जो है नीचे चला पानी है, लेकिन जो स्थिति आप मतलब दिखाऊँ वो आप मतलब एक बार ज़रूर देखना चाहिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और नया हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। तो चलो हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुल की स्थिति आप मन देखें तो किस तरह से गड्ढा है और गाड़ी लेके भी जाते हैं, ये है स्थिति आज यहाँ के। ये बड़े जब पुल के ऊपर से पानी चला थी संगवारी हो तो लोगन मन है जो है पार करत रही से और यही पार की स्थिति में अगर ये गड्ढा में कोई गिर जाती तब का होती बिल्कुल बहना तैरी सब है। और ये पुल की स्थिति देख सकते हो किस प्रकार से बड़े बड़े गड्ढा है, कुछ कुछ लोगन मन आवाज देखा मन के वीडियो दिखाए तो कैसे चला सब। तो आज की जानकारी या वीडियो आप मतलब कैसे लगे संगवारी को जरूर कमेंट करके बताओ, वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करूँ, हमारे चैनल सब्सक्राइब करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करूँ, देख सकते हो। और ये रेलिंग मन है जो है पूरा टूट गया है, पूरा तेज बहाव में देख सकता हो आधा रेलिंग मन तो इसमें पूरा गायब हो चुके हैं भाई। ये मन में जो पूरा रेलिंग लग रही थी वो पूरा रेलिंग मन जो है बाढ़ की स्थिति रही थी पूरा बह गए और कुछ कुछ रेलिंग मन जो है टूट टूट के फंसे हुए देख सकता हो ये। और बड़े जान जो है पेड़ के हिस्सा जो है यहाँ पुल में आके लटके हुए रह रहा है, फिर आप मना दिखाए हैं। ये फंस के लगा थे कार है, सोचा थे कौन जगह ले लेगा इसी के कावर, बड़े बड़े गड्ढा है देख सकता